इस वेले की बड़ी खबर अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे खालसा कॉलेज जिथे G20 सम्मेलन चल रहा है उ दस दें कि उस कॉलेज के पढ़न वाले विद्यार्थियों वालों खुदकुशी की गई है। जी हाँ, दसिया जा रहा कि कमरे के उस वालों जे कि फाहा लैके खुदकुशी की गई है। तो फिलहाल इस मामले के पुलिस वालों जाँच की जा रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश तो स्टडी करने के लिए यह जी विद्यार्थन अमृतसर के खालसा कॉलेज के पढ़न के लिए आती है तो इतने फाह लैके खुदकुशी की गई है। हाले 3 महीने पहला ही यह विद्यार्थियों वालों जे कि एडमिशन दिया गया से। फिलहाल तुम दस दी कि हैरानी की गल भी सामने आई कि G20 सम्मेलन खालसा कॉलेज के जोड़ा कि व्डे पद्धर से प्रोग्राम चल रहा है उत्थे ही पढ़न वाली यह विद्यार्थन है जिस वालों खुदकुशी की गई है। फिलहाल इस मामले के पुलिस वालों गंभीरता के नाल जांच की जा रही कि आखिरकार खुदकुशी करन दे कारण की सन। जी हाँ, कारण का हले भी कुछ भी सामने नहीं आया कि कुड़ी वालों खुदकुशी क्यों की गई है। तो वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं, अमृतसर के खालसा कॉलेज के विद्यार्थी ने खुदकुशी की है। कमरे के फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त की गई है। जी हाँ, 6 महीने पहला ही हिमाचल तो आके अमृतसर के खालसा कॉलेज के स्टडी कर रही थी विद्यार्थन। तो दूजे पासे खालसा कॉलेज के G20 वड्डे पद्धर से जोड़ा कि सम्मेलन चल रहा है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसिस चल रही ने उत्थे पढ़ती है यह विद्यार्थन। तो फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे के लैके जाँच शुरू कर दी कि आखिरकार कुड़ी वालों खुदकुशी क्यों की गई है। मेरा नाम हेमंत अरोड़ा है। मैं कहाँ से आया? मैं ABVP अमृतसर से हूँ जी। मेरे पे हमारे प्राण संगठन मंत्री है राहुल शर्मा जी, उनका फ़ोन आया था तो उसमें उन्होंने मुझे बताया। मैं सुबह सिविल हॉस्पिटल पहले पहुँचा, वहाँ से जानकारी मिली थी कि पोस्टमार्टम यूनिट में है, उससे बाद खालसा कॉलेज हम चले गए थे। वहाँ पे अपने SHO धर्मेंद्र कल्याण जी रहे थे, इनके पूरे फैमिली मेम्बर्स रहे थे। वहाँ पे जब पता चला, पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पता चली जो थी, उसमें इन्होंने रात में सुसाइड करवा था लड़की ने। हाँ जी, हाँ। और लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, एंट्री देने में उन्होंने बहुत परेशानी दिखाई थी इनकी, हाँ। फैमिली मेंबर के साथ। हाँ। अच्छा, कौन से हालातों में आपने उन्होंने बताया भी कैसे इसने आत्महत्या की? ये सब हमें नहीं बताया गया, ये सिर्फ हमें राहुल शर्मा जी ने बताया। अच्छा, इनके जो पिताजी माता जी अभी इस हालत में है भी नहीं कि ये बता पाए हमें। बस इतना था, ये किसी वजह से परेशान थी, तो पढ़ाई को लेकर अपनी किसी वजह से परेशान थी, इसलिए इन्होंने करी थी। अच्छा, लड़की का नाम क्या था, उम्र कितनी थी? लड़की का नाम था तानिता शर्मा और उम्र थी 20 साल। कहाँ की रहने वाली है ये? नूरपुर, हिमाचल। कोई सुसाइड नोट और कोई वीडियो कुछ मिला है? एक लाइव वीडियो मिला है, वो पुलिस से पास है। और जो इनका मोबाइल है जिसमें वीडियो मिली थी, वो भी पुलिस से अंडर में। आप वहाँ क्या करते हो? मैं इसमें इसलिए नहीं बोल सकता। आप पुलिस अपनी जो जांच है आज जी, वो अपनी कार्रवाई करे, जो भी होता है वो देखिए। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम यसीर दीप कुमार जी। अदीप जी, की होया केड़ा मामले विच चटिया है? ये सर रात ही पता लगा है सानू भी लड़की ने ना होस्टल च सुसाइड कर लिया जी। अच्छा, की लड़की दा नाम है, उम्र किन्नी? लड़की दा नाम तानिका ते एज ओदी 20 इयर्स। हां, कित्थे दी रहण वाली? ये सर हैगी हिमाचल दी रहण वाली। किन्नी देर तो इत्थे आई सी? ये सर अगस्त ही कहंदे एडमिशन होई है जी। अच्छा, ते केड़े हालातां दे विच तुसीं वेख्या जदों उत्थे पहुंचे? ये सर उत्थे अपने फाल आया ही पखे दे नाल लटकी होई सी ते ये गल होई। अच्छा, ते हुण अगली कारवाई जिहड़ी ओह किन्नी कम च लैंदी है, की करन जा रहे? सर आपां फिलहाल ओहदा पोस्टमार्टम करा रहे हां जी, जो रिपोर्ट आऊगी ओहदे हिसाब नाल वेखांगे की गल होई की नहीं। हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन दे विच सामने की आया, कारण की रिहा? कारण सारा जी कोई पता नहीं लगा जी। परिवारक मैंबर ना कोई? परिवारक मैंबर आए ओहदे सारे, ओहदी फैमिली दे, ओहदे मदर फादर और ओहदे जो भी रिश्तेदार भी इत्थे आए है। की करदी किसी कोल? केड़ी स्टडी करदी तुसीं? BSC ग्रेजुएट दा करदी। ओके ओके, हां जी। तां हुण अगली जांच आपां की करन जा रहे हां? हुण सर आपां 174 दी कारवाई कर रहे हां। 174? हां जी सर। खालसा कॉलेज होस्टल दे विच इक लड़की रहिंदी सी, कांगड़ा दी, ठीक है। उहने राती सुसाइड कर लिया, ओहदे डैडी दे बयान ते 174 दी कारवाई कीती गई। सानू फोन आया सी मौके ते जाके तफ्तीश की थी जी। तो की कारण की रहा? कारण का नहीं पता लगा जी। ठीक है, पर कोई वीडियो वीडियो भी बनाई उन्हें कोई ऐसा नहीं? इधर बारे वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई उन्हें जी सर। और कोई कारण दस्या उन्हें? नहीं, कारण नहीं कोई दस्या। अच्छा, तो तुम्हारे वालों की कार्रवाई मतलब? अही 174 की कार्रवाई ओदे डैडी दे बयान ते करती थी सर। ठीक है, पोस्टमार्टम करा जा रहा है। उन्होंने फादर साहब वालों की क्या जा रहा है? उन्होंने फादर साहब वालों क्या जा रहा है भी मैं कभी भी कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं दसी। ठीक है जी, संडे नूं ओह ते ओहदी ब्रदर इत्थे आए भी आ नवीं कार लै के। ठीक है, ओह छड्ड के गए। अच्छा जी, ते कोई कारण नहीं दस्सिया सर उहनां। पर हुण पोस्टमार्टम करा के उहनां दे हवाले करती डेड बॉडी। तफ्तीश पर भी कीती जाएगी? तफ्तीश की जा रही है सर। कॉलेज नाल गल कीती जाएगी? हां बिल्कुल।
स्टूडेंट ने पूछगिछ करांगे।